विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी इस वक्त वहाँ मौजूद है, जहाँ पर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, सचिन पायलट हो, कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो डिटेन किए जा चुके हैं, कई लोगों को डिटेन करने की प्रक्रिया चल रही है और बार बार विपक्ष की तरफ से यही बात कही जा रही है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर हम सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए सरकार विचलित होती है और इसलिए हमारी आवाज़ को दबाने के लिए वो बार बार ईडी का सहारा लेती है और यही वजह है कि पहले राहुल गांधी को और फिर सोनिया गांधी को समन किया गया। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय लक्ष्मी, देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर तमाम नेता जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं सड़क पर और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि ये जो है ये बदले की कार्रवाई है, सरकार के पास सरकार को बहुत कुछ नहीं मिला है, ऐसा आरोप जो है वो कांग्रेस के नेता लगाते हैं कि बिना किसी सबूत के जो है कांग्रेस नेताओं को मात्र हैरस करने के लिए इस तरह की कार्रवाई जो है वो जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है। आज इनफैक्ट तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की और उसमें जो है उसमें कहा गया कि उसमें 12 विपक्षी पार्टियों द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया। शशि एक करा दो। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको एक बार फिर ये तस्वीरें बता दें, ना सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि अलग अलग प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और जितनी टॉप लीडरशिप है वो सारी की सारी दिल्ली में डटी हुई है। इधर जम्मू में भी प्रदर्शन हो रहा है, अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। धरने प्रदर्शन में क्यों किसी को ऐतराज हो सकता है? धरने प्रदर्शन तो विपक्षी पार्टी हमेशा करती आई है। क्या कारण है कि यहाँ पर रोका जा रहा है? AIC की एंट्री नहीं है, नेताओं की भी, पदाधिकारियों की भी। अगर राजस्थान में या और किसी प्रदेश में जहाँ पर विपक्षी पार्टी सरकार है, वहाँ अगर BJP दफ्तर में किसी को अलाउ नहीं करें, क्या बीतेगी इनके ऊपर? ये बहुत ही गलत तरीका है, इसको कंडम करना चाहिए। आप कौन? क्या मंशा आपको लगती है सरकार की कि आप पुलिस की छावनी बना दी है, अनावश्यक इस प्रकार से आप अरेस्ट कर रहे हो, प्रदर्शन करने रोक रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि कानून की एक प्रक्रिया है, जांच एजेंसी अगर पूछताछ करना चाहती है तो आप सब काम करे, वो अपना काम करे, हम अपना काम करे, हमें कम से कम कहने का अधिकार है। ये केस बनता ही नहीं है ईडी का, मंदिर लौटने कहीं हुई नहीं है, 1 रुपया सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपने घर ले जा नहीं सकते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल एक कंपनी है, तो फिर इस प्रकार का किस प्रकार से केस बनाए झूठे और इस प्रकार से ये बदनाम कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि केस जो बनाया गया है उसमें मेरिट नहीं है? बनता ही नहीं केस, ईडी का केस बनता ही नहीं है। आज सर तमाम विपक्षी दलों ने भी आपके समर्थन में, तमाम विपक्षी दल भी आपके समर्थन में आए। अरे सभी विपक्षी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं सरकार, विपक्ष मुक्त भारत बनाओ। पहले कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, अब ये विपक्ष मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या का आरोप अशोक गहलोत लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त भारत सरकार बनाना चाहती है। ये तब तक आपको कोऑपरेट करना चाहिए सर। तो आप सुन रहे थे अशोक गहलोत को, राजस्थान के CM हैं, जो ये कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पूछताछ जैसा ये केस ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा ये केस ही नहीं है, ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और झूठे आरोप लगाकर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है, चूंकि कई राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, कांग्रेस मुखरता से आगे बढ़ रही है और इसी बात का डर भारतीय जनता पार्टी में है और इसीलिए ये कांग्रेस को दबाने की, कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो ना सिर्फ दिल्ली बल्कि शहर शहर, आज देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, कई जगहों से पुलिस के साथ झड़प की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये प्रदर्शन महंगाई को
लेकर नहीं है, बेरोजगारी को लेकर नहीं है, ये प्रदर्शन है ईडी की कार्रवाई को लेकर। बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए हम सड़कों पर उतरे हैं, चूंकि हमारी आवाज दबाई जा रही है। ये कांग्रेस का तर्क है और इसीलिए आज कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स, सीनियर लीडर्स आज सड़कों पर हैं। धरना दिया जा रहा है, कई लोगों को डिटेन कर लिया गया है। आज सदनों का यानी कि आज पार्लियामेंट का भी पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया है कांग्रेस ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।